हम यूनिट 11 की एमसीक्यूज है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। नंबर वन, विच इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव की कौन सी एग्जांपल है? ए साउंड वेव्स है वो, बी लाइट वेव्स, सी रेडियो वेव्स और डी वाटर वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एक्चुअली किसे कहते हैं जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स जो होते हैं वो वेव के साथ साथ मूव करते हैं, उसे हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। और ये भी हमने पढ़ा था, साउंड वेव्स इज द नेचर ऑफ साउंड वेव इज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इट मीन्स कि इसका आंसर जो है वो क्या है, ए है, यानी लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव। इसका आंसर क्या है, साउंड वेव। अब सेकेंड है, हाउ डज साउंड ट्रैवल फ्रॉम इट्स सोर्स टू योर एयर, यानी सोर्स से हमारे कान तक आवाज़ जो है ये साउंड कैसे ट्रैवल करती है। ए बाय चेंज इन एयर प्रेशर, बी बाय वाइब्रेशन इन वायर्स और स्ट्रिंग, सी बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, डी बाय इंफ्रारेड वेव। जो साउंड है वो कैसे ट्रैवल करती है, साउंड जो है एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है जिसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बनती हैं कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन के ज़रिए, ठीक है, कंप्रेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन। तो इसमें इट मींस के जो साउंड है बाय चेंज इन एयर प्रेशर, यानी एयर का प्रेशर जब आगे जाता है ये प्रेशर जो आगे चला जाएगा कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन जो है उससे आगे मूव कर जाएगा। तो इट मींस के इसका आंसर है ई, बाय चेंज इन एयर प्रेशर। अब नंबर थ्री, विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज साउंड। साउंड जो है वो कौन सी एनर्जी की कौन सी फॉर्म है, इलेक्ट्रिकल है, बी मैकेनिकल, सी थर्मल और डी जो है वो केमिकल है। अगर हम बात करें साउंड की, तो साउंड जो है वो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, ठीक है। और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या है, एक मीडियम की ज़रूरत होती है। तो वो कौन सी वेव्स होते हैं जिनको मूव करने के लिए मीडियम की, वो इलेक्ट्रो वो मैकेनिकल वेव्स होती है जिनको मीडियम की ज़रूरत होती है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बी, थर्ड का आंसर है बी, मैकेनिकल वेव। तो ये एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है तो मीडियम के लिए मैकेनिकल वेव्स होती है। नंबर फोर है, एस्ट्रोनॉट्स इन स्पेस नीड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय इंफ्रारेड बाय रेडियो लिंक, बिकॉज एस्ट्रोनॉट्स को यानी स्पेस पे एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए रेडियो लिंक की ज़रूरत होती है। क्या वजह है, ए साउंड वेव ट्रैवल वेरी स्लोली इन स्पेस, क्योंकि साउंड वेव जो है वो बहुत आहिस्ता स्पेस में ट्रैवल करती हैं, बी में आ जाता है वो वेरी बहुत फास्ट मूव करती हैं, डी है साउंड वेव तो स्पेस में ट्रैवल ही नहीं कर सकती और डी आ जाता है साउंड वेव उनकी फ्रीक्वेंसी लो होती है। इसमें हम एक एक्टिविटी भी कर चुके हैं कि साउंड जो है वो मीडियम के बगैर जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकती, जो हमने बेल जार की एग्जांपल हमने एक्टिविटी की थी जिसमें हम मीडियम को जब एंटर करते थे तो आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, मीडियम को जब हम निकालते तो आवाज़ जो वो बंद हो जाती थी। तो इट मीन्स कि इसका आंसर है साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रैवल, यानी सी ऑप्शन है इसका, साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रैवल इन स्पेस। इन स्पेस अब नंबर फाइव पे है, द लाउडनेस ऑफ साउंड इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू इट्स। साउंड की जो लाउडनेस है वो किससे बहुत क्लोजली रिलेट है, ए फ्रीक्वेंसी से, बी एम्पलीट्यूड से, सी वेवलेंथ से और डी एम्पलीट्यूड से। अगर वेव की जो अगर लाउडनेस जो है, ये देखें ये एक वेव है, ठीक है, ये इसका एम्पलीट्यूड है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ही आवाज़ जो है उसकी लाउडनेस जो होती है वो ज़्यादा होगी। अगर हम एम्पलीट्यूड को कम कर देंगे तो साउंड की जो लाउडनेस है वो भी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि लाउडनेस जो है वो एम्पलीट्यूड के साथ जो है वो रिलेट करते हैं, यानी डी आंसर है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। अब नंबर सिक्स है, फॉर अ नॉर्मल पर्सन ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज लाइज बिटवीन
यानी जो सुनने वाली आवाज़ है फ्रीक्वेंसी की रेंज वो किन के दरमियान में है, ए 10 हर्ट्ज़ एंड 10 किलोहर्ट्ज़, बी 20 हर्ट्ज़ एंड 20 किलोहर्ट्ज़, सी 25 हर्ट्ज़ एंड 25 किलोहर्ट्ज़, और डी है 30 हर्ट्ज़ एंड 30 किलोहर्ट्ज़। ये हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक था, इसमें हमने पढ़ा था कि जो आवाज़ सुनी जा सकती है वो लाई करती है बिटवीन 20 हर्ट्ज़ एंड 20 किलोहर्ट्ज़, यानी इनके दरमियान में। इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की आवाज़ को ना हम सुन सकते हैं, और 20 हर्ट्ज़ से जो कम फ्रीक्वेंसी की आवाज़ है उसको भी हम नहीं सुन सकते, ये दोनों नामुमकिन है। इनकी रेंज के दरमियान में जितनी भी फ्रीक्वेंसी की साउंड्स हैं उनको हम आसानी से सुन सकते हैं। अब 7 लास्ट है, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव इज़ इंक्रीज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल डिक्रीज, यानी फ्रीक्वेंसी अगर हम इंक्रीज़ कर देते हैं उनमें से कौन क्या चीज़ डिक्रीज होगी। ए है इसमें फर्स्ट है वेवलेंथ, सेकंड टाइम पीरियड, या थर्ड एम्पलीट्यूड। तो इसके लिए हम एक इक्वेशन लेते हैं इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, एक इक्वेशन ये ले देते हैं, और इसमें अगर हम फ्रीक्वेंसी को सेपरेट कर दें तो वी ओवर एफ, इट मीन्स कि यहाँ अगर हम स्पीड को जो है कांस्टेंट करते हैं तो फ्रीक्वेंसी जो है अगर हम उसके इंक्रीज़ करते हैं तो वेवलेंथ क्या होगी, वो डिक्रीज़ हो जाएगी क्योंकि ये इसके इन्वर्सली आ रहा है। और इसी तरह एक और इक्वेशन हम ले लेते हैं जो एफ जो थी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की थी टाइम पीरियड के, यानी इसमें भी अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करेंगे तो टाइम पीरियड भी जो है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि ये दूसरे के इन्वर्सली हैं। तो इट मीन्स कि इसका आंसर क्या होगा, 1 एंड इसका सी ऑप्शन है, 1 एंड 2 ओनली। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।